हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दूसरी कक्षा का हिंदी का लेसन बातुनी कछुआ पढ़ाने वाली हूँ। चित्रों को जोड़कर हमें ये कहानी बनानी है। देखो, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ ये किसका चित्र है? तालाब का। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ ये देखो चित्र किसका है? पर्वत। वहाँ पर्वत से दो ये चित्र हंस आते। वहाँ पर्वत से दो हंस आते थे। उसी तालाब के बीच देखो, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। ये किसका चित्र है? कछुआ। कछुआ भी रहता था। वह हरदम बक बक करता था। वह हरदम क्या करता था? बक बक करता था। हंस और कछुआ में मित्रता थी। हंस ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। कछुए ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। हंस भी उसके बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंस ने कछुए से कहा, लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे देखो चित्र, लकड़ी के दोनों सिर को अपनी अपनी, ये चित्र किसका है? चोंच चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ ये आकाश में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो देखो, ये कहानी कैसी है? एक तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। तालाब में आने वाले दो हंस से उसकी मित्रता थी। तालाब का पानी सूख गया था, तो दोनों हंस ने कछुए को लेकर दूसरे तालाब में जाने की सुझाव दी। तो हंस ने एक लकड़ी के दोनों सिर को अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। कछुआ लकड़ी को बीच में अपने मुंह से पकड़कर लगड़ गया। हंस उसे लेकर उड़े, पर कछुए ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो वह तालाब में गिर पड़ा। इसीलिए कभी भी ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। यह इस कहानी से हमें सीख मिलती है। थैंक यू।